हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एडिटेशन। भाई आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो भैया, मैं सर का न्यू कॉन्सेप्ट आएगा, इसको मैं आज एडिटिंग करने वाला हूँ। तो आज मैं टाइम से पहले आपको वीडियो दूंगा सबसे पहले। तो तो भाई, आज का कॉन्सेप्ट, मैं फोटो तो अभी मैं क्लिक नहीं कर सकता हूँ रात को। तो विजय मैं सर का पुराना एक फ़ोटो था, उसका मैं बैकग्राउंड रेज कर रखा हूँ, तो उसको ही मैं आपको करके बताऊँगा विजय मैसेज जैसा। तो भाई, जिसको PNG एंड बैकग्राउंड चाहिए, उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। बैकग्राउंड मिलेगा तो सिंपली आप इस बैकग्राउंड को यहाँ पे ऐड कर लेना। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को टूल बॉक्स में आना और सिंपली यहाँ से रिसाइज में आके सिंपली यहाँ पे रिसाइज कर लेना है। तो रिसाइज करने से ये होगा कि आपके बैकग्राउंड की क्वालिटी सिंपली यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो आप लोगों को बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद क्या करना है, आप लोगों को सिंपली यहाँ से ऐड फोटो में आना है और अपनी मॉडल की फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मैं विजय मार की फोटो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये वाली। तो आप लोग भी कुछ इस टाइप के पोज में फोटो क्लिक करा लेना। और आप लोग ध्यान रखना कि मतलब ना आप अपने ब्लैक कलर के ही कपड़े पहनना। तो कुछ इस टाइप के पोज में फोटो क्लिक करा लेना या फिर आपको जो सही लगे आप करा लेना और अच्छे से यहाँ पे सेट कर देना। एंड आप लोग बैकग्राउंड इरेज कर लेना। एंड इतना करने के बाद मैं यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा एंड यहाँ से कर दूँगा सिंपली डन। डन करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से यहाँ पे ऐड फोटो में आना है। ऐड फोटो में आने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को ये क्रॉ का PNG मिल जाएगा जो विजय मार्जी ने यूज़ किया था। तो ये बनाने में बहुत मेहनत लगी है यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो आप लोगों को कुछ इस टाइप से इसको ऐड कर लेना है। एंड आप लोगों को इरेजर टूल में आना है और सिंपली ऊपर का बस रहने देना है बर्ड, और बल्कि सब आइट साइड का दोनों को इरेज कर देना है, बस इसको रहने देना है। एंड आप लोगों को इतना करने के बाद क्या करना है, आप लोगों को ना सिंपली यहाँ से कर देना है डन। तो मैं यहाँ पे डन कर लेता हूँ एंड यहाँ से भी कर देता हूँ डन। तो आप लोगों को इतना करने के बाद फिर से यहाँ पे ऐड फोटो में आना है एंड आप लोगों को फिर से यही वाली PNG यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फिर से इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान रखना है, फिर से इसको फुल जूम इन कर लेना है कुछ इस टाइप से और अपनी फोटो में अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग भी कर लेना, कुछ इस टाइप से कर लूँगा। एंड इतना करने के बाद ना मैं फिर से यहाँ पे इरेजर टूल में आऊँगा और यहाँ से इरेजर टूल में आने के बाद ना फिर मैं यहाँ पे इन्वर्ट करूँगा। इन्वर्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को ना फिर से यहाँ पे इरेजर टूल में आना है और जो मतलब ये डबल डबल हो रहे हैं ना, इनको यहाँ पे इरेज कर देना। बस आप लोगों को ना एक यहाँ पे रख लेना है राइट वाला और कुछ इस टाइप से यहाँ पे इरेज कर लेना जैसा मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल सेम आप लोग भी ऐसे ही करना, तो इससे अच्छे से हो जाएगा। तो इतना करने के बाद ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इसको मैं यहाँ पे ब्रश से इसको वो कर लूँगा। एंड इतना करने के बाद आप लोगों को फिर से यहाँ पे इरेजर टूल में आना है एंड यहाँ से कर देना है डन। एंड यहाँ से भी कर देना है डन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, अब एक PNG और रह गया बस। तो आपको फिर से यहाँ पे ऐड फोटो में आना है एंड फिर से वही PNG को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, अब आप लोगों को लेफ्ट हैंड वाला एक वर्ड यहाँ पे यूज़ कर लेना है जैसा मैं कर रहा हूँ। तो आप लोगों को पहले इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, तो मैं यहाँ पे कट में आऊँगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, तो मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। एंड कट करने के बाद ना आप लोगों को कुछ इस टाइप से यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड इतना करने के बाद आप लोगों को ना फिर से यहाँ पे इरेजर टूल में आना है, इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने के बाद ना आप लोगों को कुछ इस टाइप से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग भी बिल्कुल सेम कर लेना। एंड इतना करने के बाद ना फ्रेंड्स, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो शर्ट रहेगी ना उसके ऊपर ये आ ना पाए, मतलब वाइट वाइट रहेगा ना, या तो आपकी शर्ट के ऊपर ना आ पाए। तो आप सिंपली यहाँ पे इरेज कर देना एंड यहाँ पे हल्के से कुछ इस टाइप से यहाँ पे इरेज कर देना। एंड इतना करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ डन। तो आप लोगों को भी यहाँ पे डन कर देना है, तो मैं यहाँ पे डन कर लेता हूँ एंड यहाँ से भी कर देता हूँ डन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना सिंपली यहाँ पे ड्रॉ टूल में आना है और ड्रॉ टूल में आने के बाद अपनी फोटो को यहाँ पे कर लेना है सेव। तो मैं यहाँ पे अपनी फोटो को कर लेता हूँ सेव। और जो शेडो वगैरह रहेगी ना वो सब हम स्नैपचैट ऐप में बनाएंगे लेना है। स्नैपचैट ऐप में ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को अपनी फोटो को यहाँ पे ऐड होना है। फोटो को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ स्टेप सेलेक्टिव टूल में आना है और अपने फेस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फेस को सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, इसका कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे बढ़ा देना है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके यहाँ पे बता देता हूँ। तो आप लोगों को ना सिंपली यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में आना है और इसका कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे बढ़ा देना है। एंड आपको फिर सेचुरेशन में आना है और इसका सेचुरेशन भी यहाँ पे बढ़ा देना है। एंड इतना करने के बाद आप लोगों को ना फिर से यहाँ से प्लस के आइकन में टैप करना है। प्लस के आइकन में टैप करने के बाद आपको अपने हाथ को यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। हाथ को सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना सिंपली इसका भी यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है। तो मैं इसका यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, तो आप लोग भी यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इसका बढ़ा देना। तो इतना करने के बाद फिर से आपको प्लस के आइकन में आना है और ये वाले हाथ को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग भी कर लेना। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को कुछ स्टेप्स इसको ना मतलब जूम इन कर लेना है, मतलब जूम आउट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो आप लोग भी कर लेना बिल्कुल सेम कुछ स्टेप से ही। एंड इतना करने के बाद मैं इसको भी यहाँ पे हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा एंड यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा एंड यहाँ से कर दूंगा डन। डन करने के बाद आप लोगों को फिर से यहाँ से पेन के आइकन में आना है। पेन के आइकन में आने के बाद आपको ब्रश में कर देना है क्लिक एंड यहाँ पे हल्का हल्का डॉज इफेक्ट दे देना है जिससे शेडो क्रिएट हो जाएंगी। तो आप लोग भी कर लेना कुछ स्टेप से जैसा मैं कर रहा हूँ। एंड सिंपली जो आपके जूते रहेंगे ना उसके नीचे कुछ इस टाइप से यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग भी बिल्कुल सेम कर लेना।
तो इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना सिंपली यहाँ से कर देना है डन। तो मैं यहाँ पे डन कर लेता हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।